जय हिंद दर्शकों, इन भारत न्यूज़ आज आपके सामने भारत बनाम पाकिस्तान के मैच में बात करने आया है। जी हाँ, कोई विश्लेषण नहीं कर रहे हैं आज हम। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो भारत बनाम पाकिस्तान का मैच है, जिस तरह से पाकिस्तान टीम का स्वागत करा गया, उससे यहाँ दर्द उठ रहा है। मैं आपको बताऊं, उस माँ के बारे में सोचे देशवासी, जिस माँ ने अपना बेटा खोया है। उस बहन के बारे में सोचें आप, जो रक्षाबंधन पर अपनी भाई की कलाई को ढूंढते हैं। उस बेटी के प्यार को सोचें जो सुबह उठकर ढूंढते हैं कि मेरे पापा कहाँ पर हैं। उस पत्नी के दर्द को समझे जो जानती है कि उसने अपने पति को खोया है। तो यहाँ पर आज वो दर्द देखने को मिल रहा है। एक स्वागत, इतना भव्य स्वागत पाकिस्तान टीम का, क्यों? वो पाकिस्तान जिसने मेरे देश के फौजियों को भीतरी घात करके मारा है, धोखे से मारा है, उनका स्वागत कर रहे हैं हम लोग। अरे, हमारे जवान तो शहीद हुए हैं लड़ते लड़ते, और आज भी देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि बीसीसीआई की कोई मजबूरी हो सकती है कि आईसीसी ने उसको कैलेंडर दिया है, एक कैलेंडर उनको फॉलो करना होता है। पर आप जो स्वागत उनका कर रहे हैं, यहां हमारी आपत्ति है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों की कमर तोड़ के रख दी है। और मैं आपको बताऊं, कश्मीर के आगे आतंकवादियों को पनपने नहीं दे रहे हैं वो। पर आज जो कृत्य करा गया है बीसीसीआई द्वारा, जो स्वागत करा गया है, वो कहीं ना कहीं एक दर्द भारतीय लोगों के दिल में दिखा रहा है। वो दर्द कोई नहीं समझ सकता जो उस बॉर्डर पर शहीद हुए सैनिक का है। वो समझ रहे हैं, आम जनता समझ रही है वो दर्द, वो आम लोग समझ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से, जब अहमदाबाद में आज मैच होने जा रहा है, उसके अंदर आप रंगारंग कार्यक्रम रखेंगे। अरे क्यों? वो गौरवान्वित, वो पल गौरवान्वित कर रहे हैं जहाँ पे कबड्डी टीम हमारी पाकिस्तान से जीती है, वो पल हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। जहाँ पे हम लोग इन्हें हॉकी मराते हैं, वो पल गौरवान्वित करते हैं। जहाँ इन्हें क्रिकेट मराते हैं, पर मेरे देश की सरजमी पर इस तरह का जो कार्य हो रहा है, उसका विरोध हमें करना पड़ेगा। पुलवामा कोई नहीं भूल सकता, 1999 कोई नहीं भूल सकता, 1971 कोई नहीं भूल सकता, 1965 कोई नहीं भूल सकता, और उसके बीच में तो कई कृत्य हैं इनके। और आप सोचिए भाइयों, कि हम लोग कोई तुष्टिकरण की बात नहीं कर रहे, हम लोग की सांप्रदायिकता की बात नहीं कर रहे। वो दर्द सबके मन में है, और शहीद के दर्द को अपना दर्द समझिए। बीसीसीआई अगर इसको बहुत आसान दे तरीके से इसको करती तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, पर जिस तरह स्वागत हुआ, वो दर्द है हमारे लिए। इसी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे वो देश का जो फौजी, जो हमारा असली हीरो है, उसके बारे में सोचिए, वहाँ कैसे रक्षा कर रहा है हमारी। अगर वो नहीं होते तो आज हम चैन की नींद नहीं सो सकते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो स्टेडियम खाली रहना चाहिए, जो वो खचाखच भरा हुआ है। आप इंडिया भारत जीते भारत जीतेगा नारे जरूर लगा सकते हो, पर आप कहीं ना कहीं उसको एक हाइप क्रिएट कर रहे हो। अरे वो जो पहला मैच जिससे पहले हुआ श्रीलंका बनाम पाकिस्तान का, उसके अंदर माइक था जिसमें कहा जा रहा जीतेगा भाई जीतेगा, तो आवाज आ रही थी पाकिस्तान जीतेगा, तो वो कौन लोग थे? हमारी देश की धरती पर आवाज लग रही है, ये बहुत गलत है। तो हम कहीं ना कहीं इस बात का विरोध करते हैं, एन भारत न्यूज का विरोध करता है। और मैं इसी बात को कहते हुए समाप्त करता हूँ कि एन भारत न्यूज इस मैच का बायकॉट करता है। जय हिंद, जय भारत।